दोस्तों मैं आज आपको कुछ पांच या छह ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने 2020 में तो काफी मार्केट में धूम मचाया है, फोन्स की इंडस्ट्री में काफी धूम मचाया है, लोगों को बहुत पसंद आया है। काफी हेल्पफुल ऐप्स हैं जिनके बारे में मैंने सोचा आपको भी बताया जाए और कुछ यूज करके इनका डेमो भी दिखाया जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में ही मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसको आपको एक लैपटॉप से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए ना तो किसी डेटा केबल की जरूरत होगी और ना किसी अलग चीज की। बस डायरेक्ट ऐप को ओपन किया और एक लैपटॉप में उस ऐप को सॉफ्टवेयर को ओपन किया और कनेक्शन डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी पेस्ट जो भी मन करेगा आपको आप उसमें से कर सकते हैं। तो उस ऐप को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा और उस बीच में ही बताऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐप हैं ऐसे। दोस्तों इन ऐप्स में सबसे पहले नंबर पर आता है, अगर आप कोई एक वीडियो क्रिएटर हैं या एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसका नाम है डॉल्वी ऑन। डॉल्वी ऑन एक ऐसा ऐप है जिसमें से आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो आप इसमें वॉइस का एडजस्टमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ऐप मैंने अभी तक तो नहीं देखा है कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो इतना बेहतर तरीके से आपको वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ही एडजस्टमेंट अच्छा करके देता हो। तो इसको एक बार जरूर करिए आप, इसमें आप रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको एडजस्टमेंट वॉइस कर सकते हैं, उसकी साउंड क्वालिटी को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं, और उसमें आप अलग से वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके उसका एडजस्टमेंट बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अब जो अगला ऐप है ये एक लॉन्चर के जैसा है। इसमें ऐप को कैटेगराइज ऐसे करता है कि आपके यूजर इंटरफेस के हिसाब से कौन सा ऐप ज्यादातर आप यूज करते हैं उसको सबसे ऊपर ये सजेशन में लेकर आएगा, और इसका मैसेजिंग का नोटिफिकेशन का बहुत ही अच्छे तरीके से आपका फोन का यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा मॉडिफाई कर देगा। तो इस ऐप को भी आप एक बार ट्राई करिए, आप इसका ट्रायल तो स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, तो एक बार इसको भी डाउनलोड करके ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगला ऐप है दोस्तों, अगर अपने फोन के लिए आप बहुत ही बेहतरीन ऐसा ऐप ढूंढ रहे हैं जिसमें वॉलपेपर बहुत ही कमाल के मिलते हों आपको और टाइम टाइम पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाया करें स्क्रीन के वॉलपेपर, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बताऊंगा, क्रिस्पर जिसका नाम है। वो ऐप पे आप बहुत ही कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वॉलपेपर को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से फिल्टर डाल सकते हैं, और उसमें बहुत ही कमाल के मतलब एक तरह से कहूँगा क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है काफ़ी टाइम तक, बहुत अच्छा मुझे पसंद आया है, और एक बार आप भी ट्राई करके देखिए दोस्तों। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि आपको बताया जाए एक बार, तो इस वीडियो में इसका भी जिक्र एक बार कर लिया जाए। अब दोस्तों एक ऐप आता है कि एक जो बेंचमार्क रन करवाने के लिए, जो आप लोग सोचते होंगे कि ये सब बेंचमार्क इतने हैवी हैवी हम कैसे रन कराएं कहां से रन कराएं, तो इसके लिए 2020 में एक नया ऐप लॉन्च हुआ था जिसका नाम था डोंट किल माई एप्स। तो इसको एक बार आप इंस्टॉल करके ट्राई कीजिए, इसमें रन टाइम के लिए जो स्पेसिफिक रन टाइम दिया जाएगा इसमें 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए, तो जो भी आपको स्पेसिफिक लगे सबसे बेहतर लगे उनको एक बार ट्राई करिए और अपने फ़ोन पर बेंचमार्क ट्राई करिए, अपने इसमें CPU GPU डिस्प्ले वाईफाई जो भी चीज़ें हैं कैसे परफेक्टली रन कर रही हैं या नहीं है सब कुछ आपको ये रिपोर्ट लास्ट में देगा। सबसे कम टाइम के लिए रन कराने के लिए इसमें 1 घंटे का ऑप्शन आता है, तो 1 घंटे आप नॉर्मली एक बार बेंचमार्क रन कराना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए, काफ़ी बेहतर ऐप है। और अब दोस्तों आता है एक ऐसा ऐप जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन इसलिए है कि अगर आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे कि ईयरपॉड्स हो गए, नेकबैंड हो गया, जो भी है, अगर आपने कहीं पे रख कर के भूल गए हैं आप और आपको वो नहीं मिल पा रहा है, तो वंडर फाइंड को ऑन करके आप एक बार में जब उस ब्लूटूथ के डिवाइस के लिए सर्च करेंगे तो वो आपको नेविगेट करेगा किस तरफ आपका आपका ब्लूटूथ डिवाइस जो है किस तरफ है। जैसे जैसे आप उस डिवाइस की तरफ बढ़ते जाएंगे इसका वाइब्रेट होता जाएगा, इसकी जो रीडिंग मीटर है वो बढ़ता जाएगा, तो आप एक तरह से समझ जाएंगे कि मेरा ब्लूटूथ डिवाइस किस तरफ है, और जैसे ही आप ब्लूटूथ डिवाइस की तरफ पहुंचेंगे तो ये तुरंत ही सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा। तो बस इतना जबरदस्त ऐप है कि एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए दोस्तों, ट्राई करके अपना फीडबैक जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि कैसा लगा ये ऐप आपको, बहुत ही बेहतरीन। अब दोस्तों बारी आती है उस ऐप की जो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में शेयर करने के लिए डाटा, फ़ोन में आपको कोई भी डाटा केबल लगाने की या कोई भी दूसरी केबल लगाने की या दूसरा कोई सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में और इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए अपने पीसी में और डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए और अपने फ़ोन की डिस्प्ले अपने पीसी में रन करवाइए या पीसी की डिस्प्ले अपने फ़ोन में रन करवाइए, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, कॉपी पेस्ट करिए, जो भी करना हो सारा काम आपका इससे हो जाएगा और आपके पीसी में एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेगा, एक से ज़्यादा फ़ोन को कनेक्ट कर लेगा। इस ऐप का नाम है वॉर्म होल। वॉर्म होल ऐप इतना बेहतरीन ऐप है कि इसे आप बहुत ही
आपकी ज़िंदगी सरल होने वाली है, बहुत ही आसान होने वाली है। तो दोस्तों ये ऐप आपको कैसा लगा है इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो बस इस बार लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। यही था इस वीडियो में बताने के लिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।